गाइस और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं रात से। रात अभी बजा है 10 और कल मॉर्निंग में हो सकता है हम आपको कहीं जाते हुए मिले, तो मैंने सोचा कि आपसे बता दूं। तो अभी मेरी हो रही है पैकिंग स्टार्ट, हम लोग पैकिंग करने जा रहे हैं और आपको सरप्राइज मिलेगा कि हम लोग कल कहाँ जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, ब्लॉग देखते रहिए, बने रहिए। और मैं बस, मेरे पास अभी 2 घंटे हैं पैकिंग के लिए, तो मैं फटाफट से अपनी और नाइशो की ट्रक पैकिंग कर लेती हूँ और फिर निकलते हैं एक अच्छी सी जर्नी में। तो चलिए बने रहिएगा अभी, और मॉर्निंग में ब्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी। और अभी सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि हम लोग कहीं कहाँ जा रहे हैं, गेस करिए, जल्दी से गेस करके बताइए कौन आ रहा है, किसके साथ जा रहा है, कमेंट करिएगा और चलिए बने रहिएगा। और रात में पति देव आ गए थे तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं। ये देखिए, नायशा तो लेट भी गई थी और मैं अभी नायशु बाय रोड अपनी कार से नैनीताल के लिए निकल चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, नायशा तो ऑलवेज़ विंडो के मज़े लेते हुए बैठी हुई है और हम लोग बाय कार निकले हुए हैं और काफ़ी टाइम हो गया है अभी चलते हुए। तो बस ये है नैनीताल की जर्नी। हेलो गाइस, देखिए हम लोग नैनीताल के रास्ते में एक होटल में। नैनीताल कहाँ रुके हम लोग? हाईवे पे किसी भी होटल में हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं क्योंकि बहुत हैक्टिक शेड्यूल हो गया था। तो अभी नायशा के लिए हम लोग ने मंगाई है। नायशा क्या खा रही है? पूरी सब्जी। और मैंने अपने लिए पनीर पराठा मंगाया है। और मैंने सैंडविच। तुमने क्या मंगाया? कॉफी आपने। और अब फिर सब सारे लोग मिलकर कॉफी पिए। चलिए हम लोग पहुँच कर बताते हैं फिर आपको आगे का। और ये रहा वो रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग ने अभी ब्रेकफास्ट किया है। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, नीट एंड क्लीन, हाइजीनिक, तो काफ़ी अच्छा था। और जर्नी स्टार्ट हो गई और ये मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट सॉन्ग है। तो गाड़ी चलाते हुए जब भी वो ड्राइव करते हैं तो उनको ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पूरा सॉन्ग आप कभी सुनिए तो बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। और अभी और हस्बैंड दोनों ही आगे बैठे हुए थे बिकॉज़ नायशा को कभी भी चलती हैं तो रास्ते में उनको नींद बहुत आती है, तो वो मेरे ऊपर सो रही थी सर रख कर। और ये देखिए, नायशा लेटी हुई हैं और बस वो कभी भी ट्रैवल बैठ कर नहीं करती, हमेशा लेट कर करती, इसलिए मुझे हमेशा बैठना पड़ता है। और ये देखिए, फेवरेट सॉन्ग चल रहे थे हमारे। तो जर्नी ऐसे ही मज़ा आती है सारे फेवरेट सॉन्ग चला के और पूरी जर्नी का मज़ा लेते हुए। और जर्नी में हस्बैंड के ही पसंद के सारे सॉन्ग चल रहे हैं बिकॉज वो ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव में उनका मन लगे तो उन्हीं के फेवरेट सॉन्ग चल रहे हैं। और खाना खाते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी तो हम सभी लोग चाय की तलाश में थे। कोई भी रेस्टोरेंट, एक भी रेस्टोरेंट चाय के लिए नहीं मिल रहा था, तो बस हम वही ढूंढते हुए जा रहे थे कि कोई भी चाय का अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाए और हम वहाँ बैठ कर चाय पी लें। और यहाँ पर हमने किया है लंच रुक कर होटल और फाइनली हम होटल पहुँच चुके थे। और ये है वॉशरूम। नायशा बेड में है। पति देव सोफे में है। और सबसे अच्छा जो यहाँ की खास है, ये देखिए यहाँ का व्यू, क्योंकि हम लोग रात में पहुंचे हैं नैनीताल तो अभी इतना ज़्यादा व्यू नहीं नज़र आ रहा है। ये आपको सुबह दिखाऊंगी।
2 hours later. और मॉर्निंग हो चुकी थी और ये हमारी मॉर्निंग की कुछ पिक्स हैं. तो गुड मॉर्निंग गाइस, और ये रहा हमारा नेक्स्ट डे. देखो बादल वो आ रहे हैं और सब रेडी हो गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और कहीं घूमने जाने के लिए. वो देखो वो आ रहे बादल, वो देखो वो बादल आ रहे हैं. ये देखो नायशा को झूला झूलना है और नायशा झूले के लिए परेशान है और इसके पापा नहा रहे हैं. अब बताइए बेटा, बस हम लोग चल रहे हैं बस. और हमारे होटल रूम का व्यू बहुत खूबसूरत था और सबसे अच्छे इस होटल की बात थी कि यहाँ बच्चों के लिए काफ़ी सारे गेम्स थे, बहुत सारी एक्टिविटी थी और इतने अच्छे क्लाउड्स, इतने अच्छे मौसम में हम लोग ने बाहर भी आउटडोर किया था. ये जो आप पार्किंग ये देख रहे हैं, यहीं पे हमने ब्रेकफास्ट किया था और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था. ये देखिए पूरे क्लाउड्स आ गए थे, तो ये देखिए. और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट यहाँ पे किया था, पूरा ब्रेकफास्ट हमने आउटिंग में किया है. अब ब्रेकफास्ट के बाद ये देखिए एक्टिविटी, ये दोनों लोग टेबल टेनिस खेलते हुए और इन लोगों को गेम खेलते हुए देख के नायशा बहुत जिद कर रही हैं खेलने के लिए. बाकी इनको खेलना नहीं आता है लेकिन इनको खेलना है. और ये देखिए पापा और बेटी का गेम चालू हो गया है. वीडियो और वोटिंग करने के बाद हम अपने होटल जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर कहीं नेक्स्ट जगह घूमने के लिए निकलेंगे. तो अभी जा रहे हैं हम लोग होटल. और ये हम लोग रेडी होके घूमने निकल चुके हैं और यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली इस जगह का नाम नहीं पता है, बट यहाँ से बताते हैं कि हिमालय दर्शन होते हैं. तो बस हम लोग वहीं पे गए हुए हैं और जहाँ तक मुझे तो नहीं दिखे थे क्योंकि शायद बादल बहुत ज़्यादा थे इसलिए, बट हम लोग गए थे देखने तो व्यू अच्छा था बट हिमालय तो नहीं दिख रहा था. और ये रही वो जगह जहाँ से हिमालय दिखता है, हम लोग ने बहुत कोशिश करी बट नहीं नज़र आ रहा था और शायद बादल थे. देख लीजिए अब क्लाउड कितने सारे हैं. तो यहाँ से बताते हैं दिखता है बट इस समय नहीं नज़र आ रहा था, बहुत हल्का सा विजिबल पहाड़ दिख रहे थे लेकिन व्यू बहुत मस्त था, बहुत अच्छा व्यू था, मज़ा आ रही थी इस जगह पे. और अब हम चल दिए हैं एडवेंचरस पार्क में कुछ एडवेंचर करने के लिए. और अगर आप पहाड़ों पे आए और एडवेंचर ना करें तो शायद. हाय, अब हम लोग नैनीताल के एडवेंचर पार्क में आए हैं. ये देखिए एडवेंचर पार्क में बहुत सारा एडवेंचर करने को और ये रहा एडवेंचरस पार्क. यहाँ बहुत सारी चीज़ें एडवेंचरस करने को हैं तो इसीलिए हम लोग गए थे एडवेंचरस पार्क में. और ये देखिए पतिदेव क्या एडवेंचर कर रहे हैं मेरे, ये देख लीजिए बच्चे वाला एडवेंचर. देखिए इनको इस यही करने में इतनी मज़ा आ रही है. एक्चुअली ये नायशा को सिखा रहे थे, उसका डर ख़त्म कर रहे थे कि ये बिना किसी हेल्प के इस पर चल के दिखाए. तो बहुत देर उन्होंने कोशिश करी क्योंकि नायशा थोड़ा सा डरती हैं हाइट से,
इसलिए वो उनको पूरी तरह से डर उसका भगाना चाह रहे थे। और फाइनली बहुत देर कोशिश करने के बाद काफ़ी देर मेरे हस्बैंड लगे रहे इसको सिखाने में, और फिर नायशा ने ये चीज़ कर दिखाई। फाइनली वो इस पर चढ़ कर उतर आई थी बिना किसी के हेल्प से। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि नायशा वहाँ से कुछ सीख कर निकली थी। पापा खड़े हो तो कोई नहीं डरता, शाबाश। पापा खड़े बेटा, पापा खड़े होते तो कहीं नहीं डरते। जल्दी करो बताओ, नहीं तो बताओ बेइज्जती हो जाएगी मार्केट में। इधर ध्यान दो, नीचे ध्यान दो, ऊपर। गुड, शाबाश शाबाश। अब एक पैर रखना, अब एक पैर। और ये देखो अभी की राइड करते हुए, अब और इसको इतना एंजॉय करते हुए देखकर फिर हम लोग ने भी ट्राई किया दोनों ने, तो बहुत मज़ा आई। और दोनों लोगों ने ट्राई किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि हम भी एक्सपीरियंस करके देखें कैसा लग रहा है इस पर। और जो ये सॉन्ग हमारी इस राइड पे फिट हुआ है, सच मानिए लग रहा था सॉन्ग हमारे लिए बना था। सॉरी मैं इसका पूरा सॉन्ग नहीं डाल सकती हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा फिट हो गया था हमारी आज की इस एक्टिविटी पर। तो काफ़ी मज़ा आई थी, खैर गाड़ी तो हस्बैंड चला रहे थे, बट मज़ा बहुत आई, बहुत ज़्यादा मज़ा आई। तो आप भी कभी भी जाएं तो एडवेंचरस करने के लिए ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि सारा कुछ वैसे ही मज़ा आती है। आप कहीं जाएं और कुछ अलग नहीं किया तो फिर मज़ा नहीं आती है। तो वहाँ का मौसम व्यू इतना ज़्यादा अच्छा था कि मन कर गया हम लोग का भी करने का, एक्सपीरियंस करने का। और अच्छा हुआ कि हमने ये एक्सपीरियंस किया, बिकॉज बहुत ज़्यादा मज़ा आई थी, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। नदी नज़र नहीं आ रही है, देखिए पूरा क्लाउडेड से घिर गया हुआ है। और ये हम लोग होटल पे वापस आ गए थे, और वहाँ का व्यू देखिए। आज मैं ऊपर बादल। और होटल में डिनर करने के बाद नायशा और अभी को रूम में छोड़कर ये हम कॉफ़ी पीने निकले माल रोड में। काफ़ी देर हम बैठे रहे, कॉफ़ी पिया और बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।